मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आईसी इंजन। आईसी इंजन के बेस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेंड ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ अ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। फर्स्ट दिया सिलेंडर डायमीटर 20 सेंटीमीटर, स्ट्रोक 30 सेंटीमीटर, ब्रेक ड्रम डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है, मेन इफेक्टिव प्रेशर 280 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, नेट ब्रेक फोर्स दिया है 640 न्यूटन, स्पीड दिया हुआ है 400 आरपीएम, फ्यूल कंजम्पशन दिया है 4.6 किलोग्राम पर हावर और कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया है 48,500 किलो जूल पर किलोग्राम। ये कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चन करना है। तो फाइंड इसमें निकालना क्या है, IHP निकालना है, इंडिकेटेड हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर BHP और मैकेनिकल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी न्यू BTS, इतनी चीज़ें निकालनी है इसमें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ एक टू स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सिलेंडर डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, स्ट्रोक दिया है 30 सेंटीमीटर, ब्रेक ड्रम डायमीटर दिया है 1 मीटर और मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नेट ब्रेक फोर्स दिया है 640 न्यूटन, स्पीड दिया है 400 आरपीएम और फ्यूल कंजम्पशन दिया है 4.6 किलोग्राम पर आवर और कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया है 48,500 किलो जूल पर किलोग्राम। इंडिकेटेड हार्स पावर निकालना है, ब्रेक हार्स पावर निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। इसको सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.20 मीटर के बराबर हो जाएगा। एल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको करेंगे कन्वर्ट 0.30 मीटर हो जाएगा, मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। और इसके अलावा फिर इसमें क्या होगा, डी इक्वल टू दिया है स्ट्रोक 1 मीटर, मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्पीड दिया है एन इक्वल टू 400 आरपीएम, मास फेलोर कैलोरी वैल्यू दी हुई है, फ्यूल कंजम्पशन रेशो दिया हुआ है, जो मास दिया हुआ है 4.6 किलोग्राम पर हावर तो कैलोरी वैल्यू दिया है 48,500 किलो जूल पर किलोग्राम, डब्ल्यू माइनस एस दिया हुआ 640 न्यूटन के बराबर, भी ब्रेक फोर्स कहलाएगा। अब इसमें क्या है, इंडिकेटेड हार्स पावर निकालना, तो IHP इक्वल टू फार्मूला ऑफ द PMLAN/60 के बराबर। एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू डायमीटर दिया है, इसके द्वारा एरिया निकालेंगे π/4 × d², π/4 × d दिया हुआ है हमको, कितना 0.20 मीटर, तो यहाँ पर पुट अप कर देंगे 0.2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। इंडिकेटेड हार्स पावर निकालेंगे, IHP इक्वल टू PMLAN/60, PM 280 इंटू L है 0.3, A है 0.0314 और N है 400/60। इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व करने पर आ गया 17.58 किलोवाट के बराबर, तो इंडिकेटेड हार्स पावर आ जाएगा 17.58 किलोवाट के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट इंडिकेटेड हार्स पावर, इंडिकेटेड हार्स पावर के बाद निकालना है इसमें ब्रेक हार्स पावर, का फार्मूला होता है W-S × π × dN/60 होता है इन ब्रेक हार्स पावर के लिए। तो इसमें W-S इक्वल टू दिया हुआ 640 न्यूटन और इसको किलोमीटर में चेंज किया तो 0.64 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे और BHP इक्वल टू हो जाएगा W-S की जगह पर 0.6864 × π × d है जो हमको 1 दिया हुआ और N है 400/60। इसको सॉल्व किया तो अगर 13.39 किलोवाट के बराबर ये आ जाएगा ब्रेक हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर आ जाएगा 13.39 किलोवाट के बराबर। मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना, इसका फार्मूला था ब्रेक हार्स पावर अपॉन इंडिकेटर हार्स पावर, BHP/ISP, BHP हमने निकाला 13.39 आया, ISP आया 17.58, ये परसेंटेज में लिखा जाता है इसलिए इसको इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा 76.20% मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई 76.20% के बराबर। अब इसमें निकालना है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, तो इसका फार्मूला होता है BHP/MF × CB के बराबर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फार्मूला होता है New BTH = BHP/MF × CB, जहां पर MF होता है 4.6 किलोग्राम पर हावर दिया हुआ है और 4.6 अपॉन हावर का है तो 3600 जो कि सेकंड में आ जाएगा, 60 मिनट × 60 सेकंड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0.0012 किलोग्राम पर सेकंड। इसको पुट अप करेंगे यहाँ पर MF की जगह पर
तो यहाँ 13.39 अपॉन 0.0012 इंटू 48,500 इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23.19%। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी 23.19% के बराबर।